बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मेष राशि, काम में आपके व्यस्तता दिखाई दे रही है, मेहनत ज्यादा है। करियर में आपके छोटा मोटा परिवर्तन हो सकता है। इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन और भी बेहतर हो तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही आपको सफलता मिलेगी। वृषभ राशि, धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। मानसिक रूप से आपके जीवन में मजबूती आएगी और आपके संतान पक्ष की उन्नति भी इस समय हो पाएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। आज कहीं भी घर से निकल रहे हैं अपने वाहन को चेक कर लीजिएगा, वरना वाहन परेशान कर सकता है। और इस समय अपने संतान पक्ष पर ध्यान बनाए रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कर्क राशि, किसी मित्र की सहायता इस समय आपको मिलेगी और किसी मित्र की सहायता से आपको लाभ होगा। आपका पारिवारिक जीवन बेहतर दिखाई दे रहा है। इस समय थोड़े समय के लिए किसी यात्रा पर जा सकते हैं, ये संभावना भी बनी हुई है। हनुमान चालीसा का अगर आप एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं और महत्वपूर्ण काम जो हैं आपके, इस समय आप जरूर निपटा लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी निर्धन को जरा सा धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें निश्चित रूप से हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग आपके लिए दिख रहे हैं। आपके जीवन की तमाम बाधाएं इस समय समाप्त होंगी और आपके बहुत सारे रुके हुए काम इस समय प्रयास करने पर पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप खाने पीने की चीज का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा नंबर, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तुला राशि, काम का दबाव, काम का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में बेवजह के विवादों से आपको बचना चाहिए और इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। किसी निर्धन को थोड़े से गुड़ का दान कर देंगे तो आपके दिन की मुश्किलें कम होंगी, दिन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, संतान की उन्नति होती दिखाई दे रही है। आपको पद और प्रतिष्ठा का लाभ भी होगा इस समय। करियर में आपके नई शुरुआत इस समय हो सकती है।
हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में आपके लिए बदलाव के योग दिखाई दे रहे हैं। इस समय काम को लेकर के आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। बेवजह तनाव ना पालें तो आपके लिए बेहतर होगा। हनुमान जी की अगर एक बार उपासना कर लें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मकर राशि, अगर कोई संपत्ति संबंधी समस्या है, संपत्ति खरीदना है, बेचना है, कोई काम है, तो संपत्ति की समस्या इस समय हल होगी। आपके स्वास्थ्य में सुधार होता भी दिख रहा है और आपको करियर में सफलता भी मिलेगी। दिन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा आपने। करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। अगर अपने बड़ों की सलाह मानकर के आप चलते हैं, बड़ों की सलाह मानकर के काम करते हैं, तो आपको बड़ों की सलाह से निश्चित रूप से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। करियर में इस समय नए अवसर आपको मिल सकते हैं। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।